जब आप हंसते हैं ये इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता, इससे कि जब आप अपनी आंखों को थोड़ा सा छोटा कर ले, यानी जब आप अपनी आंखों को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा ऑसम लगती है। बिल्कुल इस तरह अगर आप अपनी स्माइल को थोड़ा और नेचुरल दिखाना चाहते हैं तो आपको अपनी टंग को आपने जो टीथ के ऊपर जगह है वहां पर रखना है, यूं इस तरह आप जब, चलो सब स्माइल करते हैं, 1, 2 एंड 3। होल्ड ऑन, क्या हुआ, स्माइल आपकी अट्रैक्टिव नहीं है? तो स्माइल एक ऐसी चीज है जो कि सीधा दिल में जाके लगती है। अगर ये अट्रैक्टिव है तो आप किसी को भी बड़ी आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हैं, बड़ी आसानी से अपना लाइकर बना सकते हैं। अगर आप अपनी स्माइल को थोड़ा बेटर बनाना चाहते हैं, थोड़ा गुड लुक बनाना चाहते हैं, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक हैंडसम्स, मैं हूं जमान और आप देख रहे हैं बी हैंडसम। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को हिट कर लें। हिट करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर लाजमी हिट कर दीजिएगा ताकि आपको इन फ्यूचर में आने वाली मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो ये है ID Zimmy Khan 07। मुझे लाजमी फॉलो करें, आपको मेरी आईडी पर एक लार्ज नंबर ऑफ ऑप्शन मिलेगा कि आप किस तरह अपनी ड्रेसिंग पेयर करें। आपको एक लार्ज नंबर ऑफ एक पेयरिंग मिल जाएगी कि आप अपनी ड्रेस को किस तरह पेयर करें। आपको बहुत सारे पॉजेस मिल जाएंगे कि आप किस तरह अपनी पिक्चर में पॉज बना सकते हैं, तो लास्ट में फॉलो कीजिएगा। तो पॉइंट नंबर 1 है स्माइल अकॉर्डिंग फेस शेप। आपको ये बात किसी भी आर्टिकल किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगी। मैंने जब से रिसर्च करना स्टार्ट किया है मैंने ये बात बहुत ज्यादा नोट की है कि अगर आपका राउंड और ओवल फेस है तो आप पर बिल्कुल स्ट्रेट स्माइल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मतलब ये वाली स्माइल आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि आपकी चीक्स आपकी चिन से बहुत ही ज्यादा मोटी है। यानी जब आप यूं स्माइल करते हैं तो आपकी जो चिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा फूल जाती हैं जो कि बहुत ही बुरी लगती हैं। तो आपको कैसे स्माइल अच्छी लगेगी? आपको हाफ स्माइल बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगेगी, यानी बिल्कुल इस तरह। जब आप यूं स्माइल करते हैं तो आपकी चिक्स बिल्कुल भी नहीं फूलती, आपकी चिक्स बाहर नहीं आती, देखें। लेकिन जब आप यूं स्माइल करते हैं तो आपकी चिक्स बाहर आती हैं जो कि देखने में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, आपका फेस और ज़्यादा बड़ा बड़ा लगता है। तो अगर आप अपना फेस राउंड और ओवर रखते हैं तो प्लीज़ अपनी स्माइल को हाफ स्माइल बनाएं, अपनी स्माइल को थोड़ी टेढ़ी रखा करें। मेरा फेस खुद ओवल है तो अब मैं हमेशा अपनी पिक्स में हमेशा अपनी वीडियोस में जब भी स्माइल करता हूं तो हमेशा टेढ़ी स्माइल करता हूं, यानी हाफ स्माइल करता हूं। पॉइंट नंबर 2 है स्माइल विद आईज। अब आंखों के साथ कैसे मुस्कुराया जाए? देखें जब आप हंसते हैं ये इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता, इससे कि जब आप अपनी आंखों को थोड़ा सा छोटा कर ले, यानी जब आप अपनी आंखों को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा ऑसम लगती है। बिल्कुल इस तरह, यानी कि इस तरह आप लगता है कि आपकी आंखें भी स्माइल करती हैं, आपकी आंखों में एक राउंडनेस आपकी आंखों में खत्म हो जाती है, आपकी आंखों में थोड़ी सी जो ब्राइटनेस होती है वो बढ़ जाती है। अगर आप अपनी स्माइल को थोड़ा और नेचुरल दिखाना चाहते हैं तो आपको अपनी टंग को आपने जो टीथ के ऊपर जगह है वहां पर रखना है, यूं इस तरह आप जब आप स्माइल करेंगे आपके नेक्स और आपके फेस जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच हो जाएंगे और आपकी स्माइल और भी ज्यादा नेचुरल लगेगी। इस तरह आपकी जो लुक होगी वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी स्माइल ज्यादा ज्यादा अच्छी लगना स्टार्ट हो जाएगी। आप अपनी स्माइल को जितना परफेक्ट बनाने के लिए जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो उतनी ही अच्छी होती जाएगी। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, यानी कि आपको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़े आप उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करें। आप मिरर में 3 से 4 मिनट अपनी स्माइल की लाजमी प्रैक्टिस करें ताकि आपकी जो स्माइल है वो ऐसा ऐसा परफेक्ट होती जाए। जब आप स्माइल कर रहे हो तो आपको आपके टीथ साफ रखने हैं, आपके गम्स फूले ना हो, आपके टीथ ब्लीडिंग ना करें, आपके टीथ बिल्कुल फ्रेश और वाइट होनी चाहिए। इसके लिए आप कोई भी होम रेमेडीज इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरी इस पर वीडियो बनी हुई है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और वीडियो कैंडिंग में मिल जाएगा लाजमी। अगर आप अपनी स्माइल को थोड़ा और परफेक्ट बनाना चाहते हैं तो अपनी लिप्स को भी साफ रखें, आपके लिप्स ड्राई और फटे हुए नहीं होने चाहिए। आप अपने लिप्स पर वैसलीन रेगुलरली लगाया करें ताकि आपके लिप्स हैं वो थोड़े से अच्छे हो जाएं, थोड़े से नेचुरल लुक हासिल। फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा और अगर कोई बात समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।